हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ रांची से। तो आज हम लोग बात करेंगे अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर रिलीज एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है पंचायत। इस सीरीज में आपको तकरीबन 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड के लिए ऑलमोस्ट 35 मिनट से लेकर 20 मिनट के बीच में। सीरीज की बात करें तो इसमें हमें नजर आता है जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव और नीना गुप्ता। उसके अलावा हमें और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है। खैर, सीरीज की कहानी की बात हो तो कहानी शुरू होती है जितेंद्र कुमार, जिन्होंने इस सीरीज में रोल प्ले किया अभिषेक त्रिपाठी का। उनका हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन खत्म हुआ और वो अपॉइंट किए गए एज ए ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, और उनको इसी वजह से पुलेरा गांव जाना पड़ता है। लेकिन वो इस तरीके की जॉब, आप कह सकते हैं, इस जॉब से पर्टिकुलर खुश नहीं होते। वो भी चाहते कि अपने दोस्तों की तरह कोई कॉर्पोरेट जॉब करे, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और इस वजह से उनको फुलेरा गांव जाना पड़ता है। खैर, गांव में जाने के बाद किस किस तरीके से वहां के लोग और वहां की सिचुएशन को हैंडल करती है, सब कुछ जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ी जिसका नाम है पंचायत। मैं आपको बताता कि सीरीज मुझे पर्सनली क्या अच्छा लगा। तो देखिए, इस सीरीज में आपको 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं और 8 एपिसोड में आपको अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलती है और उस सिचुएशन किस तरह से अभिषेक त्रिपाठी यानी कि जितेंद्र कुमार हैंडल करे वो आपको देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हर सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर कॉमेडी डाली गई है। तो जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पुराने जो कॉमेडी पंचेस तो आपने कई बार सुन चुके, तो बार बार वही सेम बोरिंग अगर कॉमेडी पंचेस सुनोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, जो कि आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको हर एक सिचुएशन में जो कॉमेडी देखने को मिलेगी वो बहुत अच्छी लगती है। साथ ही यहाँ पे सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की गई, जैसे कि लाइट की प्रॉब्लम हो या दहेज की प्रॉब्लम हो या अनएजुकेशन हो या तो फिर बच्चे ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम हो, तो ये बेसिकली कुछ ऐसे मैसेज जो इस सीरीज में देते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा एक और मैसेज है जो आपको इस सीरीज के 8वें एपिसोड में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से इस सीरीज को आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आप इंजॉय करोगे डेफिनेटली। अब मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस की, तो देखिए परफॉर्मेंस में जितेंद्र कुमार एज यूजुअल बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया यहाँ पर, क्योंकि जितेंद्र कुमार इससे पहले कोटा फैक्ट्री में भी हमें नजर आए थे जहां पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उसके अलावा शुभ मंगल सावधान में भी भले वो फिल्म का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने था बहुत ही काबिल तारीफ था। रघुवीर यादव और नीना गुप्ता की बात करो तो एक्टिंग के बारे में तो आप लोग कुछ उंगली उठा ही नहीं सकते, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करूंगा, वो है सपोर्टिंग कास्ट। जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है आपको बहुत अच्छे लगेंगे। डायरेक्शन की बात हो तो डायरेक्शन भी ठीक ठाक है, एक लो बजट की सीरीज है लेकिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल वे में शूट की गई है, जो कि आपको इजीली बहुत अच्छी लगी और कहीं से भी आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के आप लोग इस हफ्ते ये सीरीज को डेफिनेटली देखिए, आप इंजॉय करोगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। अगर जो लोग अश्लील सीरीज देखना पसंद करते हैं वो लोगों के लिए सीरीज नहीं, एकदम सीट एंड सिंपल सीरीज है। तो बस मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। दुआ में रखना, मैं हूँ राशि चेक और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट।